हेलो गाइस, आपका स्वागत है यश इलेक्ट्रिकल चैनल पे। आज हम बात करेंगे कॉइल के बारे में। फ्रेंड, इसे हम इंडक्टर भी कहते हैं। यह एक छोटा सा कंपोनेंट है जो एसी टू डीसी को कन्वर्ट करता है। यह फ्रेंड एक कॉपर वायर द्वारा यह लिपटा रहता है। फ्रेंड, ये कॉपर वायर को इसलिए लिपटा रहता है क्योंकि यह कॉपर वायर चुंबकीय परिवर्ती के द्वारा यह इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करते हुए सीरीज में भेजता है। फ्रेंड, अगर कोई भी किट उसमें आप एक इंडक्टर देखें तो आप समझ जाएंगे कि यह कैसे काम करता है। यह हर एसी से डीसी कन्वर्ट करता है। अगर इसमें फुल तेजी से इलेक्ट्रिकल दिया जाए तो वह तेजी से लेता है और स्लो पास करता है। फ्रेंड, इसका कार्य एक नहीं अनेक है। एसी सप्लाई को रोककर डीसी सप्लाई को पास करने में किया जाता है। ज़्यादातर यह एक फ्रीक्वेंसी के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम कोई कॉपर वायर डायरेक्ट लगा दे और उसको रोलिंग ना करे, वो चुंबकीय पद्धति पे ना ही होगा, जिससे हमारा सर्किट जलने के ज़्यादा चांसेस रह सकते हैं। अगर हम चुंबकीय पद्धति द्वारा इसको लगाया जाए तो हमारा सर्किट बच सकता है और यह कार्य करने में आसानता होती है। फ्रेंड, यह इलेक्ट्रिकल सर्किट एसी को डीसी कन्वर्ट करने में बहुत सहायता देता है। जैसे हमारे एक कैपेसिटर था, वो एसी को डीसी करने में हमें सहायता देता था। उसका यूएफ कितने वोल्ट वह रख सकता है और कितने वोल्ट वह छोड़ सकता है, उसकी भी जानकारी हमने आपको अगली वीडियो में बताई थी। फ्रेंड, ऐसे ही यह ड्रम कॉइल यूज़ किया जाता है। एक कहने के लिए तो यह एक सिंपल कंपोनेंट है, पर इसका यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड, इसके में हमें एक कॉपर वायर होती है जिसके थ्रू हम इसको रोलिंग होती है, जिससे हमारी चुंबकीय स्थिति पैदा होती है। और अगर हमारा पास वोल्टेज धीमी भी आ रही है तो वह एक फ्रीक्वेंसी बना कर चलता है, जिससे कि कोई हमारे प्रोजेक्ट यानी कि हमारे एलईडी बल्ब या कोई टीवी कोई ख़राब ना हो सके। फ्रेंड, इसको मापने का तरीका एक हैंडी यूनिट है, जिसको हम एच के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड, यह एक इजी मेथड है, यह हमने साइंस में भी खूब पढ़े होंगे। फ्रेंड, इसके अंदर जितनी ऊर्जा इकट्ठी करनी हो उसके लिए हमें इंडक्टर जितना अधिक होगा उतनी ऊर्जा हम कंडक्ट कर पाएंगे। जैसे हमने देखा ही है कि हमारे छोटे से जो डिश आती है, डिश बॉक्स, उसके अंदर इंडक्टर लगा होता है, वह इतना मोटा होता है जिससे हम अपना ऊर्जा प्रभावित कर सकते हैं और उससे हम किसी को कन्वर्ट करके किसी भी चीज़ को चला सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, यह इसके अंदर का कौन सा मापन के लिए कौन सा मीटर यूज़ किया जाता है, तो फ्रेंड उस मीटर का नाम है LCR मीटर। फ्रेंड, उससे आप पूरा इसको माप सकते हैं कि इसके अंदर कितना है कॉपर और क्या क्या है इसके अंदर, पूरा डिटेल में आप उसको जान सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और फ्रेंड, एक बात और, यह एसी और डीसी को कंडक्ट करता है, प्लीज़ इसको घर पे टेस्ट मत कीजिए, और टेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ फैमिली के साथ रह के कीजिए। यह कंडक्टर एक सिंपल तौर पे भी किया जा सकता है और एक हाई लेवल पे भी किया जा सकता है। अगर चाहे तो आप डीसी से भी कर सकते हैं, जैसे 9 वोल्ट प्रैक्टिकल के लिए, और चाहे तो आप एसी से कर सकते हैं। मेरा सुझाव तो यह है कि फ्रेंड, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं या इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो फ्रेंड इसको हम डीसी से करके आपको बतलाएंगे। और फ्रेंड, यह एक एक चीज़ इसके अंदर जो मैंने बताई, यह बहुत काम की चीज़ है। यह कॉइल किस तरह घूमता है, कैसे मोड़ा जाता है और यह किस काम आता है, ये डीसी को कैसे कन्वर्ट करता है, ये चुंबक की मदद क्या होती है, ये ऊर्जा किस प्रकार आता है, ये इन सब के बारे में जानकर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। अगर फ्रेंड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।